देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर देश की जनता देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर चुके हैं। लगातार 2 बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी पर अमेरिका आने की रोक लगाई गई थी, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा बार 7 बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 24 सितंबर को वो 8वीं बार अमेरिका का दौरा करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने पूरे विश्व में भारत के नेतृत्व को मजबूत किया है। यही वजह है कि आज विश्व देश पीएम मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक उन्नति और आतंकवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील विषयों पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। इतना ही नहीं, आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने को और उसे अंजाम देने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर है, क्योंकि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने समूचे विश्व को अपने इरादों और आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को लेकर साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि आज देश की जनता को इस बात का भरोसा है और तसल्ली है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज मजबूत और सुरक्षित हाथों में है। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का संकट।